यह ओल्ड केरोसिन स्टोव है, ब्रास का बना हुआ आता है तथा यह पुराने समय में बहुत अधिक यूज़ किया जाता था जब केरोसिन इजीली उपलब्ध होती है। इसके देखते हैं अपन तो यह ब्रास स्टोव काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, सुंदर और ओल्ड क्लासिकल टाइप का लगता है। यह इसका नॉब होता है जिसमें हवा भरा जाता है, इससे केरोसिन डाली जाती है तथा यह एयर को एडजस्ट करने के लिए है। यह इसका बर्नर होता है, इसके और ऊपर जाली लगभग यह 12 इंच ऊंचाई का और लगभग 8 इंच चौड़ाई में यह स्टोव उपलब्ध होता है। अमेजन पे भी देखोगे तो आप इजीली मिल जाएगा, लेकिन केरोसिन की अनुपलब्धता का अब यूज़ कम होता है। सबसे पहले इसका नॉब खोल के आप इसमें केरोसिन को डाल सकते हैं। केरोसिन डालने के बाद इसका ढक्कन अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए, यहाँ से लीकेज हवा का नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन इसी चीज़ का होता है। बाद में जो एयर एडजस्टमेंट का नॉब है, वॉल है, जो भी हो गया आप इसे क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ से एयर लीकेज नहीं होना। ये एयर को एडजस्ट करने के लिए, प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए नॉब है। अब इसमें हवा भरी है जिससे कि सहायता से हवा भरते से प्रेशर क्रिएट होकर इसमें से केरोसिन निकल के बर्नर में आ जाएगा और फिर हवा को निकाल दीजिए, क्योंकि केरोसिन लगातार निकलता रहेगा। इस हवा निकालने के बाद केरोसिन रुक जाएगा और जो बर्नर में खट्टा तेल है उसे जला दीजिए। जलाने के बाद यह गर्म होगा बर्नर, बर्नर जब गर्म हो जाता है तो केरोसिन ऊपर आएगी, गर्म बर्नर से टकराने के बाद गैस में बदल जाती है और बहुत ही अच्छे ब्लू फ्लेम के साथ यह केरोसिन स्टोव जलना शुरू हो जाता है। अब इसका वेट करें थोड़ा गर्म होने के बाद, और यह पिन होती है आपने देखी होगी, इस पिन से सहायता से इसके छेद को एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे कि अच्छे से जल सके। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें बंद क्लोज कीजिए और इसमें अच्छी तरीके से एयर का प्रेशर जितनी फ्लेम चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिए और बस फिर देखिए फ्लेम का एंजॉय कीजिए।